अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हाईली इम्पोर्टेंट और हाईली इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ब्लू चिप कंपनी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। व्यूअर्स, जिस कंपनी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट, ऑयल एंड मार्केटिंग सेक्टर से इसका ताल्लुक है और एक ब्लू चिप कंपनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होती है वो इसी कंपनी में होती है और वॉल्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान की तमाम जो म्यूचुअल फंड की कंपनीज़ हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर है, तमाम सेक्टर इसमें काम करते हैं और तमाम बिग प्लेयर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट है। डेली बेसिस पर आप इस पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये शेयर बहुत अच्छा है और हर साल बाकायदगी से 4 मरतबा डिविडेंड देता है हर क्वार्टर में। क्योंकि व्यूअर्स, इस शेयर को डिस्कस करने की वजह यह है कि ये डिविडेंड देने वाला शेयर है और ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी कराता है ये, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि दोनों सूरतों में ये आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकता है, क्या स्ट्रेटजी आपने अपनानी है और रिसेंटली इसने कितना डिविडेंड अनाउंस किया लास्ट क्वार्टर में। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे OGDC के फंडामेंटल्स की। OGDC इस वक्त जो करंट प्राइस है इसकी 96 पर यू ट्रेड हो रहा है। 75 का इसने कुछ मंथ पहले लो बनाया था, 52-week low, जिसके बाद इसकी सर्कुलर डेबिट के हवाले से कुछ न्यूज़ आई थी और पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने ये इशू जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश भी की थी। इसलिए ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है और गवर्नमेंट खुद इस सर्कुलर डेबिट ट्रैप में फंसी हुई है। न्यूज़ बेसिस पे ये जो है वो मूव बनी है और 21 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो गया है, ऑलमोस्ट 75 से 96 पर आ चुका है ये स्टॉक। मार्केट कैपिटल इसकी 415 बिलियन की है। मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है, जिसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास और कंपनी के एसेट्स भी ज़्यादा हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स कंपनी है। मैंने आपको बताया है कि इसमें पाकिस्तान के तमाम म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती हैं और बहुत ही स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है इसकी। उसकी वजह यह है कि ये हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड अनाउंस करता है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। EPS 4 quarter का है 2023 में। अर्निंग लास्ट ईयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 70% बढ़ गई है। लास्ट ईयर का जो EPS था वो 31 था और इस साल जो 2023 में चारों क्वार्टर का रिजल्ट है इसमें 52.23 इसका EPS है। बुक वैल्यू 234 की है और मैंने आपको बताया कि ईयरली डिविडेंड इस साल में तकरीबन 10 से 12 रुपए का डिविडेंड देता है। हर क्वार्टर में तकरीबन 3.5-3 रुपए का ये डिविडेंड अनाउंस करता है। हिस्ट्री का इसका 289 है, जो कि 2014 में इसने बनाया था। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ब्लू चिप कंपनी है। ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये होता है कि फॉर द टाइम बीइंग ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करती है और अर्निंग बहुत अच्छी है शेयर्स की। और अगर इसका सर्कुलर डेबिट जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है तो उसकी बेसिस पे तो ये शेयर फिर 4 से 5 गुना हो सकता है, क्योंकि कंपनी की वर्थ जो है वो उसके हिसाब से इसकी जो फेयर वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 300 से अबव है। तो जो लोग एक ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो OGDC उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी आप लोग जो है वो बिल्कुल किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें तो उसका बिज़नेस का मॉडल ज़रूर देखें, क्योंकि बिज़नेस अगर ग्रो करेगा तो शेयर का प्राइस डेफिनेटली ग्रो करता है और ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी है। और जो लोग स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें जो कि डिविडेंड देते हों और बोनस शेयर भी देते हों। ऐसे शेयर का इंतखाब करें जिसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो हो सके। तो व्यूअर्स, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को गाइड करूँ, आप लोगों को एडवाइस करूँ। मेरा काम है आपको सही एडवाइस देना और मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से ज़्यादा पैसा कमा सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो व्यूअर्स, आज मैंने OGDC के फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।